इंट्रोडक्शन टू सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 से क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर है एंटायर एजुकेशन में, जिसमें एक तरफ इट प्रोवाइड्स मिडिल लेवल ऑफ वर्कर्स फॉर द इकोनॉमी और दूसरी तरफ ये फीडर भी है जो कि हायर लेवल ऑफ एजुकेशन की तरफ। क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन जो कि एक्सपेक्टेड है हमें कि हम हाई क्वालिटी प्रोफेशनल प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन द डिफरेंट फील्ड सच एज सोशल इकोनॉमिक और पोलिटिकल लाइफ ऑफ कंट्री वो डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा हम हाई क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ये लेवल इसलिए इस लेवल को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सके ताकि हम अपने यंग मैन और वुमेन को प्रिपेयर करें कि वो अपनी हायर स्टडीज को हायर एजुकेशन को परसू कर सकें और फिर सेकेंडली वो इस सेकेंडरी एजुकेशन में वो चीज़ें भी इंक्लूड की जा सकें ताकि वो अपनी लाइफ में जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें एडजस्ट कर सकें मीनिंगफुली और प्रोडक्टिवली। सेकेंडरी एजुकेशन की स्टेज बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है और ये वो स्टेज है जहाँ पे बच्चा चाइल्डहुड से एडोलेसेंट की एज पे ट्रांसफर होता है, शिफ्ट होता है और इसका जो बेसिक परसेप्शन है, जो मोड ऑफ बिहेवियर है वो वहाँ से स्टार्ट होते हैं और वहाँ से ही वो शेप होते हैं कि कौन सा बिहेवियर और कौन सा परसेप्शन आप स्टूडेंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उनको किस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम्स को एडजस्ट करना सीखते हैं, लाइफ के साथ जो क्रिटिकल सिग्निफिकेंस है उनको अज्यूम करना सीखते हैं कि लाइफ में कौन कौन से उनके रोल हो सकते हैं। ये चार साल का जो सेकेंडरी एजुकेशन का जो लाइफ टाइम है वो एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है एजुकेटर्स के लिए भी और एजुकेशनिस्ट के लिए भी कि वो प्रोग्राम्स को इस तरह से लॉन्च करें, उस तरह से कंसीव करें कि वो प्रोग्राम्स बच्चों के लर्नर के लिए प्रॉपर उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को फॉर्म किया जा सके, उनको उनके बिहेवियर को बनाया जा सके फ्यूचर की जितने भी पीसफुल लाइफ है उसको स्पेंड करने के लिए, उनके उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए। यही एक चार सालों का अरसा है जिसमें एजुकेटर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उनको फोकस करना होगा स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे और लर्निंग एबिलिटीज़ पे।